हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए मैनेजमेंट की सेकंड क्लास लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम करेंगे आगे की प्रोसेस या मैनेजमेंट के जो फंक्शन थे जो मैंने पहले छोड़ दिए थे, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की, कि क्या क्या मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं और जो मैनेजर है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर द फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डन बाय मैनेजर इन ए ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एज ए और ब्रीफ लें ओवरव्यू लेंगे कि हमारे फंक्शंस में क्या क्या है। हमने ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या होगा प्लानिंग का, उसकी नॉलेज एवोल्यूशन क्या होगा, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कैसे होता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड क्या होते हैं ट्रेनिंग प्लानिंग में, राइट। तो सबसे पहले हम इसके प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे, फिर स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन या उसके जो पार्ट उसमें आते हैं तो वो है। तो पहले हम जानते हैं फंक्शनल मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। तो हमारी ये सेकेंड स्लाइड है, देख रहे हो, इसमें मैं छोटा कर देता हूँ इसे, ओके ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शंस है, द मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोसेस विच इज़ मेनली कंसर्न विद द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ गोल अचीवमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, गोल को जो अचीव करने का जो टास्क है, कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने आज रेस लगाकर 550 किलोमीटर तक मैंने जाना है, तो मेरे पास एक टास्क है 50 मीटर की रेस, ठीक है। तो उस 50 मीटर रेस में मैंने एक टास्क दे दिया अपने आप को कि मैंने वहाँ तक जाना है, तो एक टास्क है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर एक ऐसा ही टास्क है जो हमें किसी गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अंटिल ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ प्लान एंड इंटीग्रेटेड वे। कोई भी बिजनेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता अंटिल जब तक उसके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स इन द सेंस कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके मैनेजर्स हैं, सीईओज़ हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल जो भी हैं इनके मेंबर्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में और एक प्लान वे में काम नहीं करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। एक तरह का मैस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर जो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है। देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पुटिंग देम इन एक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना और उनको एक्शन में तब्दील करना, वो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर एक्चुएटिंग का मतलब, यहाँ पर हमारे जो दूसरी प्रोसेसेज हैं, जैसे हमने जो पढ़ी अभी स्टाफिंग को कंट्रोलिंग एंड मोटिवेशन, ये सब जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअली में आती हैं, राइट। तो इसमें हम मेनली पांच फंक्शन के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर मैं स्टार्टिंग फेज़ की बात करूँ, सबसे पहले हम किसी भी काम की शुरुआत अगर करते हैं तो उसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग प्लान की जरूरत होती है, कि हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, उस प्लान में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले से बात करते हैं प्लानिंग की। तो ये हमारा प्लानिंग है, राइट। अब प्लानिंग हमारा क्या क्या होगा, प्लानिंग हम कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इसमें हम कैसे इसमें स्टेप्स वाइज करते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेंगे और कहाँ कहाँ इस प्लान का यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की ही। प्लानिंग प्लानिंग द मोस्ट द फाइन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है वो हमारा प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करके रखना कि हमने ये काम इस ढंग से इस टाइम पे करना है, एक ए गोल विच इज़ टू बी अचीव विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, ऐसा गोल जिसको एक स्टिपुलेटेड टाइम में बताया जाए, ठीक है, एक स्टिपुलेटेड बताया जाए, उसको अचीव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास किसी काम को करने के लिए सिर्फ 2 दिन है, तो उस 2 दिन में मैं उसको टास्क को परफॉर्म कर लूँगा, तो मेरा कैसे प्लानिंग होगी कि मैंने इस काम को कैसे कैसे 2 दिन में कंप्लीट करना है, राइट। वेरियस अल्टरनेटिव आर फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स, अलग अलग अल्टरनेटिव का यूज़ करके हम प्लान को करते हैं। एक सिंपल सेंस में आपको प्लानिंग के मैं डेफिनेशन बताता हूँ। प्लानिंग मीन्स
डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, हु इज टू बी डू इट, ठीक है, एंड व्हाट आर द टाइम पेड फॉर द डूइंग ऑफ दैट वर्क, उस काम को करने में कितना टाइम लगना है, उस सब की प्लानिंग करना, कौन करेगा, कैसे करेगा, किस टाइम पे होगा, किसके लिए होगा, फॉर होम किसके लिए होगा, वो हमारी एक प्लानिंग है, राइट। एक सिंपल सेंस में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आइडिया प्लान एंड एक्शन, मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमारा डायग्राम है आइडिया प्लान एंड एक्शन, तो इसमें हमारा क्या है, ये आइडिया प्लान एंड एक्शन, पहले आइडिया को जो माइंड में हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं किसी काम से रिलेटेड, उसके ऊपर प्लान बनाना, प्लान को फिर एक्शन में तब्दील करना, वो ही हमारी प्लानिंग है। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में आपको इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू थियो हैमलन, इन्होंने हमको डेफिनेशन दी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू डन व्हेन ए मैनेजर प्लान्स, ही प्रोजेक्ट्स ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर, अटेम्प्टिंग टू अचीविंग ए कंसिस्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन एंड एम्ड एट डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो भी उसने प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, एडवांस डिसाइड करना कि क्या करना है, जो भी मैनेजर ने प्लान किया है उस एक जो भी हमारे फ्यूचर एक्शंस है हमारे प्रेजेंट के, उसका फ्यूचर में कैसे उसका काम आएगा, अटेम्पटिव कंसिस्टेंसी, उसको कंसिस्टेंट वे में रखना कि कंटिन्यूस वे में रहे वो, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, जाकि उसमें कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए, जितने भी पार्टीज में इन्वॉल्व हैं उनका कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका ऑपरेशन का काम है या कोई भी एनीथिंग, हर एक चीज़ में प्लानिंग हमको चाहिए चाहिए, एक छोटे काम से लेकर एक बड़े काम तक, हम शादी करते हैं शादी में क्या क्या चीज़ चाहिए, ये फंक्शन करना है वो फंक्शन करना है, हर हर चीज़ की प्लानिंग होती ही होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख के हैं, प्लानिंग हमारे हर चीज़ में इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको, ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के वे में देखें, ऑर्गेनाइजेशन के वे में क्या होता है, प्लानिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की रेट बढ़ाती है, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल, सबको सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी गुडविल चाहिए मार्केट में, और वो होगी सिर्फ अच्छे प्लान से, राइट, प्लानिंग से, जितने भी फंक्शन जो मैनेजमेंट की बात कर अभी कर रहे हैं वो फंक्शन हमको अच्छे से परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी है, हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, गुडविल इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये सब हमको बहुत ज़रूरी है प्लान करना। इन जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं प्लानिंग के अंदर या कोई मैनेजमेंट के अंदर, उन सबको अचीव करने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, प्लानिंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जो प्लानिंग है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, जो प्लानिंग है वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, राइट। तो प्लानिंग मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जो प्लानिंग है वो हर जो हमारे रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है, ठीक है, और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है यानी कि कोई भी डुप्लीकेट काम ना हो उससे बचाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस बिजनेस रिलेटेड रिस्क, जो प्लानिंग है वो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उनको रिड्यूस करती है, जो भी फोरकास्टिंग है या रिस्क, जैसे किसी भी चीज़ क्राइसिस हो गए या कुछ भी, प्रॉपर उसको एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें एक रिस्क को बचाने के लिए, रिस्क से बचने के लिए प्लानिंग हमको एक मेंटलिटी क्रिएट कर देती है जिससे हम रिस्क से बच सकते हैं, राइट, एक ऐसा सेफ गार्ड है हमारा प्लानिंग। थर्ड पॉइंट हमारा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जो प्लानिंग है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, अगर हम किसी काम को करते हैं, अगर उसको प्रॉपर प्लान बना रहे हैं तो उस काम को करना कैसे है, वो भी एक इस वो भी प्लानिंग का ही पार्ट है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस टू द सबॉर्डिनेट, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं मैनेजर के उन सबको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, राइट। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्लानिंग इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करती है और इनोवेशन को भी बढ़ाती है। कैसे, प्लानिंग में हम बहुत से आइडियाज़ को एनालिसिस करते हैं, उन जो आइडियाज़ हैं उनको एनालिसिस करते करते हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, उसमें आइडियाज़ को जनरेट करने की आइडिया का इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम नई नई इनोवेशन ला सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में बैठकर किसी एक प्लान पे बात कर रहा हूँ कि हाँ इस क्वेश्चन इस चीज़ को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो वहाँ बैठे जितने भी लोग होंगे वो अपने अपने आइडियाज़ देंगे, जिससे एक एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आइडिया निकल के आ सकता है। तो ये एक यहाँ पे नया इनोवेशन हो सकती है कंपनी के अंदर, राइट। तो जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं या कंपनी मॉडर्नाइजेशन की, कोई भी हमारी ट्रेनिंग वगैरह की है, तो उसमें भी हम नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, राइट। लास्ट टाइम हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन मोटिवेशन, जो प्लानिंग है वो मोटिवेशन बहुत हेल्प करती है। मोटिवेशन कैसे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं जो हम मैनेजर्स को दे रहे हैं या एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उससे वो मोटिवेट होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हर टास्क में, इवन छोटा टास्क हो या कोई बड़ा ही टास्क क्यों ना हो, हर टास्क में हर फेज़ में एक डिसीज़न की ज़रूरत होती है कि इस काम को करने के लिए हमें कैसा डिसीज़न लेना है, इसका सोल्यूशन के लिए क्या डिसीज़न होगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे कैसे डिसीज़न हम ले सकते हैं, हमारे पास डिसीज़न लेने की पावर क्या है और किस वे में हम डिसीज़न ले रहे हैं। तो डिसीज़न मेकिंग प्लानिंग में बहुत, जो प्लानिंग है हमारी डिसीज़न मेकिंग बहुत हेल्प करती है, राइट। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हम बनाते हैं और उनको चूज़ करना भी एक तरह का डिसीज़न ही है, ठीक है। उनको इवेल्यूएट करके उनकी जो भी जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होंगे उनको चूज़ करना ही एक तरह की डिसीजन मेकिंग प्लानिंग ही है, राइट। तो इसलिए जो हमारा प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जो प्लानिंग है वो हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल या हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, प्री डिटरमाइन किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, ठीक है, उनका क्या क्या मेथड होगा उसको अचीव करने के लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सिर्फ एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, ठीक है। जो जो ट्रायल एंड मेथड जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो एक पुरानी टेक्निक हो चुकी है आज के टाइम में, कि ट्रायल किया और उसमें एरर जो फाइंड उसको निकाल दे जो काम का रख लिया, राइट। तो वो एक तरह का मैस या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता था, लेकिन आजकल बहुत से मेथड आ गए हैं हमें डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, जो हर एक तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स होते हैं उनको फिक्स करती है हर ऑर्गेनाइजेशन, उन टारगेट को अचीव करने का टाइम पीरियड, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन, ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। उनको एक एम करना, ठीक है, उनको मिस रिप्रेजेंटेशन से बचाना, मिस अंडरस्टैंड होने से बचाना जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी कंपनी गोल्स हैं उनको अचीव करने में प्लानिंग हमारी मदद करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल। जो प्लानिंग है वो बेसिस ऑफ कंट्रोल है। जो प्लानिंग बेसिस ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप है कंट्रोल करने का, ठीक है। तो जो प्लानिंग है उसमें हम मेनली देखते हैं, हमारा पहले तो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, ठीक है। अदर फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है, इसमें हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें रिक्रूटमेंट करनी है, हम रिक्रूटमेंट करने की प्लानिंग की हमने, कैसे कैसे कितने प्रॉपर उसका प्लान बनाया पहले फर्स्ट स्टेप में, कि हमने इतने पर्सन की हमें ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपिटेंसी चाहिए हमें, ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ जॉब प्रोवाइड करनी है, कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है, उनको कैसे कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके सैलरीज वगैरह क्या होंगी, कंपनसेशन मैनेजमेंट करना, टैलेंट मैनेजमेंट करना, और लास्ट में कंट्रोल करना कि उन्होंने कैसे भी काम किया कैसे, राइट। उनको एक एवेल्यूशन करना है कि उनका काम सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। तो एक ये कंट्रोलिंग का एक पार्ट कह सकते हो आप, राइट। इसके बाद हमारा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, हम आ गए हम इसकी प्रोसेस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप्स क्या है प्लानिंग प्रोसेस की, स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले है एस्टेब्लिशिंग वेरीफेबल गोल्स। जो हमारा प्लानिंग का उसका फर्स्ट स्टेप है हमारा एस्टेब्लिशिंग वेरीफेबल गोल्स, जिनको वेरीफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बिजनेस को जानना, ठीक है, कि हमारे गोल्स क्या हैं, एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, और उसके अपर लेवल मैनेजर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे डायरेक्ट करेंगे उन डायरेक्शन को, जो मिडिल लेवल है वो कैसे परफॉर्म करेगा, और मिडिल लेवल जो नीचे वाले हैं यानी कि लोअर लेवल वाले जो है वर्कर्स वगैरह, उनको उनको कैसे बताया कि इस काम को करना
का तरीका क्या है या उसको परफॉर्म करने की तरीका क्या है। ठीक है, हर की ग्रोथ और उसके टाइम पीरियड वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से भलाई भलाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्लान एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। हमारे जो प्रीमिसेस हैं उनको एस्टेब्लिश करना। ठीक है, अपना जो प्लान्स हैं या जो हमारे प्रीमिसेस हैं यानी कि आप कह सकते हो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे डेवलप करना है हमने। ठीक है, जैसे प्रीमिसेस यहाँ पे आप कह सकते हो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, पॉपुलेशन ट्रेंड्स हो गए, प्रोडक्शन कॉस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल हो गए, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट हो गया, कॉस्ट हमारी क्या आएगी, कॉस्ट को इवैल्यूएशन क्या होगा, गुडविल इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो ये सब हमारे कुछ प्रीमिसेस होते हैं। ठीक है, जिसको हमने एस्टेब्लिश करना होता है सेकेंड स्टेप के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड। प्लानिंग पीरियड को डिसाइड करना कि हमारा जो प्लानिंग का पीरियड है वो क्या टाइम पीरियड क्या रहेगा प्लानिंग का। ठीक है, मतलब कि डिसाइड करना कि कितने टाइम के लिए प्लानिंग हमने करनी है और कितने टाइम बाद प्लानिंग को हमने परफॉर्म करने के लिए या उसको एक्चुअल प्लान में इसको करना है हमने। राइट, जैसे कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग की जाती है, उसमें क्या क्या हमको कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग होती है, जो हमारा टैलेंट मैनेजमेंट है उसकी प्लानिंग होती है। राइट, तो ये सब हमारे कुछ इसके थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ हमारा फाइंडिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारे इसके कोर्सेज हैं किसी काम को करने के अल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कि इस काम को हम इस तरह के भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, यानी कि तीन अलग अलग तरीके से हम किसी काम को कर सकते हैं। राइट, तो ये भी एक तरह की हम काम में आती है हमारी प्लानिंग के अंदर। फॉर एक्स प्रोडक्ट्स में बी सोल्ड डायरेक्टली द कस्टमर्स बाय द कंपनी सेल्समैन और थ्रू एक्सक्लूसिव एजेंसीज। जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको हम सेल्समैन के थ्रू भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट रिटेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स के पास ही पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी जो एजेंसीज होती हैं सेलिंग की उनके पास देकर भी हम अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट है। फोर्थ पॉइंट हमारा प्रोसेस का इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन हैविंग सर्च एंड अल्टरनेटिव कोर्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट एनालाइज देम इन द लाइट ऑफ प्रीमिसेस एंड द गोल्स एंड सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं उनको चूज़ करना और उसको जो भी गोल्स के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करके अपने गोल्स की प्लानिंग करके उसको अचीव करना। सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंट द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट द प्लान जो भी हमने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, वो हमारी क्या होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो हमने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, उसको कैसे डेवलप किया जाए आगे, एक प्रॉपर ड्राफ्ट बना के जितने हमने प्लानिंग की उसको, जब हमने प्लानिंग प्रोसेस की बात करी उसको पूरा एक क्रिएट करके उसको एक प्रॉपर प्लान में क्रिएट करना, वो हमारी होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। उसको कैसे हमने एक्चुअल उसको परफॉर्मेंस पर लाना है, इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को। नेक्स्ट हमारा मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्राम। उस प्लान को मेजर करना और कंट्रोल करना, किसमें जो जो कमियां हैं उसको इवेल्यूशन करना कि हाँ भाई इसमें ये कमी है, इस प्लान में इसको चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल करना, जो भी इसमें कुछ फॉलो अप करने के काम है या कुछ को भी जो भी कमी हुई है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हाँ अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं कर सकते हैं तो इसमें हमारी कॉस्ट और कम आ सकती थी। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं प्लान के। ऑब्जेक्टिव में भी डिफाइंड एज द गोल्स
विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव। ऑब्जेक्टिव कंपनी गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं जिसको कंपनी अचीव करना चाहती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर एंड्स टुवर्ड्स विच ऑफ द विच द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज आर एम्ड। ऑब्जेक्टिव होता है जो डायरेक्ट एम क्या है कंपनी का, कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि इस टाइम पीरियड के बाद या एक साल के बाद कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव हैं, या दो साल के बाद कंपनी की ऑब्जेक्टिव है, ए प्रॉपर एम या गोल क्या है कंपनी का वो। नेक्स्ट हमारे स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड टू मीट द चैलेंज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपटीटर्स। स्ट्रेटजीज इज अ ब्लू प्रिंट, स्ट्रेटजी एक तरह की ब्लू प्रिंट होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कंपनी किस तरह से काम करेगी, क्या क्या उसके मेथड्स होंगे काम करने की, स्ट्रेटजी क्या होगी, फॉलो अप एक्शन क्या होगा उस काम करने का, ठीक है। जो हमारे चैलेंजेस होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे कंपटीटर्स हैं हमारे सेम बिजनेस में, तो उनको कैसे हम आगे उनको हम पिछाड़ के आगे जा सकते हैं, राइट, या बिजनेस में या इकोनॉमी में हम कैसे स्टैंड कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी होती है, राइट। स्ट्रेटजी मस्ट बी कंसिस्टेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, राइट, ओके। थर्ड हमारा पॉलिसीज, पॉलिसीज पॉलिसीज में बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्लान्स विच आर द मेन टू सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइंस टू डिसीजन मेकिंग इन द फर्म। जो हमारी पॉलिसीज होती हैं उनका मतलब यहाँ पर है डिस्क्राइब एज ए प्लान्स, प्लान्स पर डिस्क्राइब होती हैं विच आर मेन टू सर्व, जिसका मेन काम होता है प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर गाइडलाइन से, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना फर्म के अंदर, ठीक है। पॉलिसीज एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ एंटरप्राइज, पॉलिसीज अलग अलग लेवल्स में होती हैं, टॉप लेवल की अलग पॉलिसी है, मिडिल लेवल की अलग पॉलिसी है, लोअर लेवल की अलग पॉलिसीज होती हैं, राइट। ए पॉलिसी शुड बी डेफिनेट होनी चाहिए, पॉजिटिव और क्लियर होनी चाहिए। जो हमारी पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई एक्चुअल में ये पॉलिसी हमारी क्या है कंपनी की, राइट। तो ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर, प्रोसीजर लेज डाउन द मैनर और मेथड बाय विच वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड इन ए स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म में। जो हमारा प्रोसीजर है किसी काम को करने का तरीका, करने का तरीका, उसमें जो वेरी स्टेप्स आ रहे हैं उस काम को करने का तरीका, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं किसी एक फ्रूटी की, मान लो प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, वो ड्रिंक, वो प्रिजर्वेटिव्स, वो मुझे उसकी पैकेजिंग के लिए चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, वो प्रॉपर प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं तो वो जाके एक लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा जिसका फ्रूटी क्रिएट होगा, राइट। तो उसमें भी ऐसे ही अलग अलग काम को करके, एक प्रॉपर ढंग से काम करके, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म वे में काम करके हम अपने किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या उसको उसके जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। प्रोसीजर इज स्टैंडिंग प्लान एक्टिंग एज ए मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए पॉलिसी। मैंने आपको भी बताया ना कि प्रोसीजर किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का ही एक स्टैंडिंग प्लान है, कैसे उस प्रोसीजर को या कैसे उस प्लान को या पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट हमारा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स आर प्रिसाइज प्लान्स विच नीड टू बी मेड टू डिस्चार्ज अ नॉन रिपीटेटिव टास्क। प्रोग्राम्स कह सकते हैं आप किसी भी नॉन रिपीटेटिव, जो चीज़ रिपीट ना हो रही हो उसको परफॉर्म करना। इसमें कुछ पार्ट हैं जैसे सिक्योरिंग द नेसेसरी एकोमोडेशन, रिक्रूटमेंट पर्सनल टू मैनेज बिजनेस, अरेंज द सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड थ्रू द ब्रांचेस। ये सब हमारे कुछ पार्ट हैं प्रोग्राम के जिसमें हम अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल्स, रूल्स आर एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट व्हाई दैट व्हाट दे कैन डू और व्हाट के कैन नॉट डू। रूल्स हमें पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, उस एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम कंपनी के वर्कर्स को या जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बताते हैं, ये मेंबर्स को बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या करना है और कंपनी के अंदर क्या नहीं करना। रूल्स डू नॉट अलाउ एनी रूम फॉर इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट क्लियरली स्पेसिफाइज द एक्शन नीड टू बी डन इन पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपने कैसे परफॉर्म नहीं करना, कि ये काम नहीं करना सिचुएशन में, तो ये सब एक रूल्स में आ सकता है। एग्जांपल, यूज ऑफ मोबाइल फोन एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कि आपको बताया जाता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पर मोबाइल फोन्स का यूज़ करना रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। तो एक तरह का रूल्स है ये। तो बजट क्या है हमारा लास्ट,
बजट आर प्लान्स फॉर फ्यूचर पीरियड्स ऑफ टाइम कंटेनिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स. बजट आर वेरी यूजफुल फॉर एंटरप्राइजेस. बजट 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 एक तरह का प्लान है जो हम फ्यूचर पीरियड के लिए हम पहले से प्लान करते हैं कि हमें एक बजट तैयार करना है. जैसे हम शादी का बजट भी तैयार करते हैं कि हाँ भाई हमने 5 लाख में शादी करनी है, 10 लाख में करनी है, तो उस बजट के अंदर रहकर ही हम अपने सारे काम को परफॉर्म करते हैं. एक मिनट. न्यूमेरिकल टर्म्स में किसी चीज़ को डिफाइन करने से प्रोडक्शन बजट हो गया, सेल बजट हो गया, कैश बजट हो गया, ठीक है, तो वो हमारा एक तरह का बजट है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं अमंग पीपल हुज एफर्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टू इंप्लीमेंट प्री डिटरमाइंड स्ट्रेटजीज. हम अपने काम को डिवाइड करना या उस बंदे को वही काम देना जो उसमें बेटर है या कॉम्पिटेंट है, राइट. इसकी डेफिनेशन अलग है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म डिफाइंड एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टूगेदर इन कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स. इंपॉर्टेंस क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग की. इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट. ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग है वो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है. परफॉर्मेंस को एनालिसिस करता है, ठीक है. जो भी पुअर रिजल्ट वाले होते हैं उनको डुप्लीकेशन या उनको बाहर निकालता है ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ वो काम देते हैं जो उस चीज़ के लिए कंपिटेंट हो, जो उस जॉब के लिए कंपिटेंट हो उसको वही काम देना, ही ऑर्गेनाइजिंग है. नेक्स्ट हमारा इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा क्लियर कट प्रोसेस है जिसमें हम हमारे रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द हेल्प्स इन लेइंग डाउन बैलेंस एम्फेसिस ऑन वेरियस एक्टिविटी. जो हमारे डिपार्टमेंट्स का जो रिलेशनशिप है, लोअर लेवल का हो गया, मिडिल लेवल का हो गया, या जो वेरियस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इन सब के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो, और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है कि इस काम को वो कैसे मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजिंग में, राइट. इसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट, इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने में बहुत मदद करता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, राइट. एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए. इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज टू अंडरटेक मोर एक्टिविटीज़. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग काम भी करता है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे जो कंपिटेंट जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसे अपने आइडियाज़ का यूज़ करके उस काम को बहुत इजीली या कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. तो इट नेक्स्ट हमारा इट प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा ग्रिड कोई ग्रिड नहीं है, एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम बहुत से लोगों को इकट्ठा करके जैसे बहुत से वर्कर एक जगह परफॉर्म करते हैं अपने काम को प्रॉपर ढंग से करते हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इससे जो हमारे वर्कर्स का है. इट फैसिलिटेट्स द स्पेशलाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक ग्रेट स्कोप है ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन द एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू प्रॉपर एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द एम्प्लॉयज. इट कैन बी टू वेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी है और एक स्ट्रक्चर भी है. कैसे है वो आगे पढ़ते हैं. प्रोसेस कैसे है, इसमें कुछ जो उसके स्टेप्स हैं वो हम बात करें. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. जो ये 4 स्टेप हमें गिवन है ऑर्गेनाइजिंग के, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या, डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या. नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. जो एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किस काम को इसमें फंक्शन
इसमें हम एक्टिविटीज़ को इस तरह बांटेंगे कि कौन सा काम पहले ज़रूरी है, जैसे फंक्शन अकॉर्डिंग बांट दिया, पर्पस क्या क्या से होगा उसके अकॉर्डिंग बांट दिया, सिमिलर काम जैसे होगा डिसिमिलरिटीज़ हो गए, ठीक है। एक्टिविटी डिपार्टमेंट फर्दर इसमें हम डिपार्टमेंट बना के अलग अलग हम बांट सकते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप किस तरह के हम अपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। थर्ड हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ को असाइन करना, ठीक है, सबको जो काम दिया है उसको असाइन कर देना कि हाँ भाई इस पर्सन का काम या इस पर्सन का काम ये है, हर एक जो भी एम्प्लॉय है उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर देना। लास्ट हमारा एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स, जो भी हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअल के भी, आपस में रिलेशनशिप और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप भी हमें बिल्ड करने होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, इसमें हम मेरे चार पांच स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ग्राफ में आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक ग्राफ आपको दिखाया गया है जिसमें हम ये देख रहे हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले सी यू है, उसके नीचे चार डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन, इन सब के अलग अलग काम है। फाइनेंस का कलेक्शन रिसीव करना है, ठीक है, एंड परचेजिंग करना, अकाउंटिंग करना है। मार्केटिंग एंड सेल्स का है बिजनेस को डेवलप करना है, सेल्स करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन डेवलप करनी है। HR का है प्रोडक्ट हायरिंग करना, पेरोल करना और ट्रेनिंग का काम है। ऑपरेशन में प्रोडक्शन का काम, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब काम हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में आते हैं। इसलिए एक सीईओ के ऊपर चार डिपार्टमेंट लगकर बना दिए, चार डिवीज़न डिवाइड कर दिए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको बांट दिया। डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न में क्या होता है, हम तीन डिवीज़न बनाते हैं उसके नीचे हम सब डिवीज़न बनाते हैं। डिवीज़नल बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हरियाणा है, हरियाणा मैंने मेनली चार डिवीज़न बना दिए, ठीक है, एक मैंने रोहतक बना दिया, एक सिरसा बना दिया और एक मैंने करनाल बना दिया, ठीक है। इन तीन डिवीज़न के अंदर जो काम करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, R&D डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के नीचे भी चार चार डिपार्टमेंट काम करेंगे, तो एज ए ये एक डिवीजन स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये लार्ज एक बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ स्टेट लेवल पे काम होता है, नेशनल लेवल पे काम हो सकता है इसका, राइट। इसमें मेनली बात करते हैं इसमें कंपनी साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो इसलिए हम ये डिवीज़न जो बनाते हैं, ये डिविजनल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल पे हो सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमारे क्या देखते हैं, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का होता है वो होता है हमारा स्टाफिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करते हैं, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है जॉब्स में या जो भी हमको कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की, उनको हम जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब फिल द राइट पीपल विद राइट जॉब, फिल द राइट जॉब विद राइट पीपल्स, राइट, फिलिंग एंड कीपिंग द पोजिशन प्रोवाइडेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद राइट पीपल एट द राइट प्लेस इज द स्टाफिंग फेज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। कि जिस जगह पर जिस कंपिटेंसी, जिस स्किल की जरूरत है वहाँ पर उस प्लेस पर उसी स्किल के बंदे को लगाना, उसी स्किल के एम्प्लॉय को लगाना, राइट। तो इसके डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कुंटेज एंड ओडोनेल, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइंड इन टू द स्ट्रक्चर। कि जो स्टाफिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपनी प्रॉपर और इफेक्टिव तरीके से एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको डिफरेंट रोल्स पर डिज़ाइन करके उनको जॉब पर साइन करते हैं। तो यही हमारा मेनली स्टाफिंग है। इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। स्टाफिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन या तो उसकी कंपिटेंसी, एम्प्लॉय की कंपिटेंसी, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज कर सकती है, राइट। किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको एक अच्छे एम्प्लॉय की बहुत जरूरत होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, जैसे कि पेरोल हो गया, HR का काम है, जैसे फाइनेंस का काम हो गया, अकाउंट्स वगैरह काम, अकाउंटेंट चाहिए, राइट। तो इसी तरह की बहुत अलग अलग टाइप की जॉब हो सकती हैं जो कंपनी के अंदर एक कंपनी को अच्छे तरह के चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। हेल्प्स इन फाइंडिंग एफिशिएंट वर्कर, कि हमको स्टाफिंग के अंदर
हमको टैलेंटेड और कंपिटेंट वर्कर्स मिल सकते हैं ताकि उनको डेवलप करेंगे हम और उनको एफिशिएंटली वर्क में ले सकते हैं। हेल्प इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अच्छे हमारे पास स्टाफ होगा, ठीक है, कंपिटेंसी होगी, कंपिटेंट स्किल्ड होंगी उनके पास, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जहाँ जरूरत है वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज उनको और पहले से नॉलेज हो सकती है। मेंटेन हारमोनी, हारमोनी का मतलब यहाँ पर है कि सबके साथ एक मेल जोल बना कर रखना, रेगुलरली अप्रेजल करना उनका, प्रमोशन देना ताकि वो मोटिवेट होकर आगे अपनी कंपनी में काम करते रहें, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी देते रहना टाइम टू टाइम, राइट। तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डी, हेल्प्स इन मोरल बूस्टिंग, कि जॉब सेटिस्फेक्शन की द मोरल हाइट ऑफ द एम्प्लॉयज, जैसे ही अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है अपने जॉब से कि कंपनी की जो एम्प्लॉयर है वो प्रॉपरली उनको प्रमोशन दे रहा है, सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, तो उनसे उनका मोरल बूस्ट हो जाता है। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हर एक के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, हर एक के अलग अलग स्किल्स हो सकती हैं, जिसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करना ताकि वो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से कर सकें। हम स्टाफिंग की प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पर। स्टाफिंग की सबसे पहले है मैन पावर प्लानिंग, कि मैन पावर की प्लानिंग करना कि हमको कितने पीपल की जरूरत है, राइट काइंड ऑफ पर्सनल अवेलेबल एड सो दैट कि कहाँ पर किस एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या जॉब करेगा वो, ठीक है। तो सेकंड हमारा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट दो तरह से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इंटरनल में जो कंपनी के अंदर हैं और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर है, जैसे बाहर हमने कोई एप्लीकेशन स्प्रेड कर दी कि जॉब्स वैकेंसी हैं ऐसे ऐसे, और इंटरनल के अंदर प्रमोशन कर सकते हैं हम, राइट, किसी को उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ जहाँ पर जा जुड़ता है, एक तरह की पॉजिटिव प्रोसेस भी है, नेगेटिव भी है, राइट, पॉजिटिव है। सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन हु पोजेस द एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म द जॉब्स विच हैव फॉलन वैकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सिलेक्शन जो है उसमें हम पीपल को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं जॉब्स के लिए, राइट। तो जैसे ही हमारे को पता है जो हमारी नीड है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होंगे, टेस्ट होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू की अलग अलग फेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है प्लेस करना उनको, कि जैसे उनका सब क्लियर है, टेस्ट क्लियर हो गए, उनके उनको प्लेस करना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, उनको स्पेसिफिक जॉब को ऑफर करना, और पर्सनल को वहाँ प्लेस किया जाएगा जहाँ पर उसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल कि मैं मेरी कुछ स्पेशलाइजेशन है कि मैं सिर्फ इस फील्ड में काफ़ी अच्छा हूँ, तो मुझे वही फील्ड दिया जाएगा उनकी मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट, जिससे कि उनका एब्सेंटिज्म और टर्नओवर काफ़ी, एज एब्सेंटिज्म कम हो सकता है, ठीक है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंडक्शन प्रोसेस की मैंने बताया आपको कि जैसे जहाँ पर सबसे पहले हम वहाँ के सराउंडिंग कंपनी के बारे में बताते हैं, जॉब के बारे में बताते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बताते हैं, उनके रूल रेगुलेशन बताते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम में हम मेनली क्या करते हैं कि उनको एक तरह से फैमिलियर करना कंपनी से, तो वो भी इसकी प्रोसेस में आता है। सिक्स पॉइंट हमारा ट्रेनिंग डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने नए नए स्किल्स अपने अंदर सीख सके, मैनेज कर सके, एक कंटिन्यू प्रोसेस है हमारी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम जो उनके पास स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में किसी स्पेशल किसी पर्पस के लिए या किसी स्पेशल प्रॉब्लम के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो टाइम टू टाइम या आपको मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, राइट, तो मतलब डेली रूटीन में भी हो सकती है क्योंकि ग्रोथ करनी है हमने। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को अप्रेज करना एक ऐसी फॉर्मल प्रोसीजर जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को एवेल्युएट करते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को अप्रेज करना उनके जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग उनको अप्रेज करना, राइट। किसी आपको पता है कि इस एम्प्लॉय ने, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने आज इतना टर्नओवर एक्स्ट्रा किया है, इतना प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, तो उनके अकॉर्डिंग अप्रेज करना, उनको कुछ इंसेंटिव या बोनस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ट्रांसफर, प्रमोशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ किसी को हाई जॉब प्रोवाइड कराना है, ठीक है, उनकी सैलरी इंक्रीज करना है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग किसी कंपनी की बात करता हूँ, कोई एम्प्लॉय पहले SO था, ठीक है, सेल्स ऑफिसर था, फिर SSO बन गया, सीनियर सेल्स ऑफिसर, तो उसके बाद ASM बन गया, राइट,
तो ऐसे प्रमोशन हो सकता है। ट्रांसफर में क्या होगा, ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना, ठीक है, और उनके या फिर उनका डिपार्टमेंट चेंज कर देना, ऐसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनसेशन में क्या होता है कि पीपल जो जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जिस तरह काम कर रहा है, अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उनकी पे, उनकी वेजेस में कुछ इंक्रीमेंट करना, राइट, उनको एक्स्ट्रा रिवार्ड देना, उनको एज ए टूर देना, टूर या ट्रिप्स के कुछ ऑफर देना, राइट, तो ये उनका कंपनसेशन कह सकते हैं। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द जॉब, ये जॉब के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको कैसे कंपनसेट करना है, नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है। ये हमारा था स्टाफिंग का सारा प्रोसेस, इसके जो पार्ट्स थे हमने वो पढ़े। अब नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग, सेकंड लास्ट नॉट द लिस्ट, डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद द इनिशिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्शन एंड स्टिमुलेटिंग पीपल टू वर्क, इट इन्वॉल्व्स इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू एग्जीक्यूट देम। डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पर है किसी एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना या किसी काम के लिए स्टिमुलेट करना इन ए ऑर्गेनाइज मैनर, किसी काम को करने के लिए, राइट। डायरेक्टिंग का सिंपल इन सेंस में मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी को गाइड कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो वो डायरेक्टिंग हो सकता है सिंपल सेंस में देखा जाए तो। डायरेक्टिंग जो इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग और मोटिवेशन को डील करता है सबॉर्डिनेट्स के, जो उस सबसे ऊपर वाले के नीचे जो होते हैं सबॉर्डिनेट्स, राइट। तो फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जो भी सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है, वो डायरेक्टिंग है, राइट। डेफिनेशन है इसके, डायरेक्शन इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय विच सबॉर्डिनेट्स आर लेड टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू द अटेनमेंट ऑफ इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के लिए उनको, जो एम्प्लॉयज हैं उनको सुपीरियर मैनेज करना, उनको उनको गाइड करना ही हमारा डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सक्सेस चार्ट है एक, अब इसके इंपॉर्टेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इनिशिएट एक्शन, एक्शन को इनिशिएट करता है, जो डायरेक्शन है वो एक राह दिखाना, एक तरह का रिसोर्स कह सकते हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक तरह का पाथ दिखाना कि आपने इस काम को इस रास्ते पर जाके ऐसे करना है, राइट। इसमें हम मोटिवेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्शन, मोटिवेशन, गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ये कर सकते हैं, एक्शन को इनिशिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट्स अ साउंड वर्क एनवायरनमेंट, जो इफ डायरेक्शन इज इन कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर पीपल वर्क टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि इसमें यह कहा गया है कि डायरेक्शन के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल मेरा किसी कंपनी में, मान लो IBM में है, तो मेरे जो सुपीरियर हैं या मेरे जो कलीग्स हैं वो एक फ्रेंडली मैनर में काम करते हैं, जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे गाइड करते हैं, मेरे सुपीरियर मुझे गाइड करते हैं, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ कि हाँ आपके साथ कोई खड़ा है, ये हमारा होगा साउंड वर्क एनवायरनमेंट। डेवलप मैनेजर्स, मैनेजर्स को डेवलप करता है, डायरेक्शन कैसे करता है, मैनेजर्स जो है अपनी स्किल और उसको कंपिटेंस से डेवलप करते हैं, मोटिवेशन से, लीडरशिप से एंड कम्युनिकेशन से, हेल्पिंग ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन है वो लोगों को या एम्प्लॉयज को साथ रखती है, राइट, उसके जो, ताकि वो एम्प्लॉयज जो हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन अलग ना समझे, ठीक है, उनको बायसनेस फील ना हो। बिहेवियर सेटिस्फेक्शन, सिंस रेशन इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, एम्प्लॉयज फील बिहेवियरली सेटिस्फाइड एंड पर्सनली इंस्पायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। डायरेक्शन के अंदर एक साइकोलॉजिकल, एक मतलब कह सकते हो आप मेल बन सकता है, साइकोलॉजिकल उनकी मेंटली जो उनका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट जो है एम्प्लॉयज का भी और एम्प्लॉयर का भी, अगर वो आपस में मेल खा जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो उसके लिए वो एक बिहेवियर सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि हमारे एम्प्लॉयर का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है,
फ्रेंडली है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर एक इंस्पिरेशन से मोटिवेट होकर उस काम में लगे रहेंगे और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, पर्सनली सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉयज पर्सनल सेटिस्फाई होते हैं, पर्सनल मोटिवेट होती है, इंडिविजुअल मोटिवेट जो कह सकते हो आप, उससे वो क्या करेगा, उनको पता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करना है, लगन से काम करना है, ऑनेस्टी से काम करना है, राइट, जिससे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अचीव्स कोऑर्डिनेशन, जो डायरेक्शन है उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत एक इम्पोर्टेंस है। कैसे है कि कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि हर एक बंदे को, हर एक पीपल को, हर एक एम्प्लॉय को अपनी अपनी जॉब डिस्क्राइब कर दी जाएगी कि आपका ये काम है, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, टीम वर्क कह सकते हो आप, टीम वर्क में काम करना, प्लान्ड एक्टिविटी, प्लान कर दिया कि इस प्रॉपर काम, इस काम को इस एम्प्लॉय ने करना है, इस टाइम के लिए करना, ताकि वो एक म्यूचुअल इंडिपेंडेंस रह जाए उनके, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें इजिली। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, राइट, कि जो उसने प्लान परफॉर्मेंस की थी, जो मैंने प्लान किया था, क्या वो एक्चुअल में हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारा डायरेक्शन। फैसिलिटेट चेंज, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हमें, डायरेक्शन हेल्प करता है हमें कंट्रोल करने के लिए और चेंजेस लाने के लिए, कि हमें जैसे कंट्रोल कर लिया हमने कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसको चेंज कैसे किया जाए, क्या क्या हमने स्ट्रक्चर को या क्या क्या मेथड हमने अपनाने हैं, अडेप्ट करने हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या जो भी प्रॉब्लम जहाँ पर भी आ रही है उसको कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। ये हमारा था फैसिलिटेट चेंज। फैसिलिटेट ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू चेंज इन रिस्पेक्टिव ऑफ टू ग्रोथ डायरेक्शन हार्मोनाइज फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बैलेंस वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट्स कमिटमेंट अमंग पीपल टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। फैसिलिटेट ग्रोथ, हर एक एम्प्लॉय का टारगेट फिक्स करके उनके कमिटमेंट लेना कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, कितना काम करोगे, ठीक है, उनको उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करना कि उन्होंने एक्चुअल में कितना काम किया और उन्होंने डिजायर या प्लान कितना किया था, ठीक है, जिससे वह कमिटमेंट पे अपने खड़े उतरने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे, ठीक है, जिससे इम्प्रूव हो सकती है। एलिमेंट्स क्या क्या हमारे डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुपरविजन की। सुपरविजन ये कुछ मिलते जुलते शब्द है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्शन का, डायरेक्टिंग का। इसमें क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं उनके एफर्ट्स को, उनको मोटिवेट करना या सुपरवाइज करना कि आपने एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे काम करना है, ठीक है। वो एक्ट जो सुपरवाइजर होता है वो एक्ट एज ए लिंक काम करता है, लिंक की तरह काम करता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, सुपरवाइज करना कि आपको इस काम को, इस टास्क को इस प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, ओपिनियन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। टू वे प्रोसेस है, सेंडर रिसीवर्स पे मैसेज आएगा, वो फीडबैक देगा, तो टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बहुत इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, रिपोर्ट सजेशन होती हैं, इंस्ट्रक्शन है, रिपोर्ट है, सजेशन सेक्शन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर है वो इन्फ्लुएंस करता है सबॉर्डिनेट्स को कि एज ए लीडर काम करना, कि उनकी जो बोलने का तरीका होता है कि दूसरे उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा मतलब कह रहा है हमको, अच्छा मतलब एक डिफाइनिंग कर रहा है किसी चीज़ को, राइट। जैसे कि अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करूँ तो जिस तरह वो बात करते हैं वो डायरेक्टली लोगों के माइंड में इतना घर कर जाती है बातें कि लोग उनकी बातें सुनने के लिए तैयार बैठे। जैसे लॉकडाउन में ही देखा हमने, उन्होंने कहा लोगों को थाली बजाओ, लोगों ने बजाई, पूरा इंडिया थाली बजा रहा था, एक तो एज ए लीडर ही है वो, लीडरशिप ही है वो, ठीक है, जिसमें इन्फ्लुएंस करता है लोगों को माइंड पे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग द सबॉर्डिनेट्स विद द जील टू डू वर्क फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मोटिवेट करना सबॉर्डिनेट्स को, उनके अंदर एक ललक लाना काम करने की, ललक, पैशन लाना,
मोटिवेट करना कि आपको ये काम करना ही करना, ऑर्गेनाइजेशन को काफी ऊंचा ले जाना ही ले जाना है, ठीक है, जिससे वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट कर सकेंगे। जो मोटिवेशन डिफरेंट काइंड्स भी हो सकती है, इंसेंटिव, प्रमोशन, बोनस, टूर्स, ट्रिप्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और डिफरेंट काइंड। एंड लास्टली कंट्रोलिंग द लास्ट स्टेप ऑफ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज इन सीइंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज गाइडेड टुवार्ड्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से देखना या गाइड कर उनको, मतलब आपस में कंपेरिजन करना, एक्चुअल में क्या था और एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, राइट। तो यही कंट्रोलिंग है कि हमको मेनली लास्ट में हमने सब कुछ कर लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कर लिया, लेकिन कंट्रोलिंग जब तक हम इन चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, तो हमारा सारा फंक्शन बेकार रहेंगे, राइट। तो इसमें हमारा क्या है, इसकी जो कंट्रोलिंग के अंदर हम मेनली एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करते हैं। डेफिनेशन है, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बिंग मेड टू द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डेविएशन। कि इसमें यह है कि प्रॉपर प्रोग्रेस को चेक करना कि हमने एक्सपेक्टेड ये किया था लेकिन हमारा एक्चुअल में आया क्या, ऊपर आया, उतना ही आया, कम आया, क्या आया। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क और द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। इसके टू बेसिक पर्पज हैं, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, कंट्रोलिंग की बेसिस जो फ्यूचर एक्शन के बेसिस पे काम करता है कंट्रोल, कि हमने अगर आज प्रॉपर प्लानिंग करके कंट्रोल करके हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एक कंप्लीट हमारा कह सकते प्रोसेस है जिसमें हम एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं या डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और उससे रिलेटेड हम फॉलो अप एक्शन करना या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फैसिलिटेट डिसीजन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है कंपनी के अंदर, ड्यूटीज को डिफाइन करता है, ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोलिंग है वो कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एस्टेब्लिश कंट्रोल, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। जो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग है, वो कंपनी के अंदर एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन में, एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, मोटिवेट करता है पीपल को, एम्प्लॉयज को भी करता है, बट मैनेजर्स को भी करता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको ही मोटिवेशन करता है कंट्रोल, कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, तो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको चैलेंजिंग जॉब देंगे, उनको मतलब टफ स्टैंडर्ड्स में काम कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है। इफेक्टिव प्लान इम्प्लीमेंटेशन, जो कंट्रोलिंग है वो एक कंट्रोलिंग है, जो प्लानिंग है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है। कंट्रोलिंग इज द ओनली मीन्स टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। कंट्रोल पॉइंट्स आउट शॉर्ट कमिंग ऑफ नॉट ओनली प्लानिंग बट आल्सो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोल है वो इकलौता एक मेन नहीं है, बल्कि प्लानिंग भी एक कह सकते हो आप, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें अपनी शॉर्ट कमिंग को आप ख़त्म करके अपने फंक्शंस को या अपने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसकी प्रोसेस, डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव कंट्रोल। सबसे पहले आपको डिफाइन करना स्टैंडर्ड्स को, कि हमारा स्टैंडर्ड है क्या, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी कॉस्ट, आउटपुट, टाइम, प्रॉफिट, हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडिविजुअल या ग्रुप में कर रहे हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, राइट, या सेलिंग कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अपनी जो एक्चुअल या स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस है उनका कंपैरिजन करना, जैसे मैंने कंट्रोलिंग के बताया कि जो उसमें गैप है, डेविएशन है, जो डेविएशन है किन किन चीज़ों से अलग अलग आ रही है वो चीज़ें स्टैंडर्ड्स में, या जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो किस तरह अलग अलग आ रही हैं, उन पे ध्यान देना, उनको कंट्रोल करना कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको भी नोट डोर डाउन करना, और कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं उनको भी ध्यान रखना। टेकिंग रेमेडियल एक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं या कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसमें हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक्शन लेना कि यहाँ पर इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को हमको ऐसे सॉल्व करना है। कहाँ पर किस पीपल की ड्यूटी लगानी, कंपिटेंसी की जरूरत हो सकती है, स्किल्ड वर्कर की जरूरत हो सकती है, तो ऐसे रेमेडियल एक्शन लेना। आपको वर्कर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है,
या इस स्किल के कंपिटेंट स्किल के पर्सन को आपको चाहिए एम्प्लॉयज, इस स्किल एम्प्लॉयज चाहिए आपको, राइट। तो ये है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग, मैंने आपको बताया। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग कंट्रोलिंग जो है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग है कंट्रोल के बिना मीनिंगलेस है। कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। कंट्रोल जो है बिना प्लानिंग वो ब्लाइंड है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है, एंड बैकवर्ड लुकिंग, वो भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे या आप किस तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो है। जो कंट्रोलिंग है वो लुकिंग बैकवर्ड, जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड देखता है कि आपकी प्लानिंग क्या थी, लेकिन जो प्लानिंग है वो ये देखता है कि आपके प्लान कैसे प्रिपेयर होंगे, उनको लास्ट में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों एक्सपेक्ट लेके चलने पड़ते हैं हमें। कंक्लूजन में देखते हैं, प्लानिंग मस्ट बी डन बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशन एंड कंट्रोल शुड फॉलो प्लान ड्यूरिंग द रूटिंग। कंक्लूजन मेरा क्या कहता है, प्लानिंग मस्ट बी डन बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशन एंड कंट्रोल शुड फॉलो प्लान ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। द एक्सपीरियंस गेन्ड इन कंट्रोलिंग विल हेल्प इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। दस वी कैन से कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। कि हमको यहाँ पर ही कहा गया कि जो प्लानिंग है, हमको एक पहले से ही कह सकते हो आप, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है एक्चुअल ऑपरेशन हमारे क्या क्या हो सकते हैं। और कंट्रोलिंग के अंदर हमको फॉलो अप एक्शन देखना पड़ता है, फॉलो प्लान देखने पड़ते हैं, यानी बैकअप प्लान देखने पड़ते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, लॉकडाउन के अंदर, इस COVID-19 के अंदर हमारे एग्ज़ाम, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक तरह से हिल गया था। एवरीथिंग वाज ऑन द इंटरनेट और लाइक ऑनलाइन क्लासेस। एज यू फील दैट कि हम अगर प्रिपेयर होते पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो काफ़ी हद तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकते रहते, राइट। तो वही चीज़ें हैं, आपको प्लानिंग भी चाहिए और कंट्रोलिंग भी चाहिए। तो ये हमारी इंटरडिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। तो ये थी हमारी प्लानिंग के फंक्शंस, हमने जो पढ़े यहाँ पर प्लानिंग, सॉरी, हमने याद जो पढ़े वो मैनेजमेंट के फंक्शन थे, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वी ऑल्सो लर्न अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस करेंगे वो आपको नए टॉपिक मिलेगा, नई एक जोश के साथ मिलेगा। तो टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।